हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जुग्गू। आज मैं खेलने वाला हूँ फेस पाम टू कैंपर्स के अगेंस्ट। इसका नाम सुन के तो लग रहा है भाई गेम एकदम बढ़िया से होगा, फिर रेंज मारा है और वो खेल रहा है कीबो के साथ। भाई कीबो की अदाएं आए हाय हाय हाय, खासकर वो रेड वाली कॉस्ट्यूम में, कॉस्ट्यूम मतलब जो स्किन है ना इसकी, उसमें अगर तुम्हें कीबो दिख जाए तो तुम तो गेम पे फोकस ही नहीं कर सकते। तुम अभी देखो मेरी हेल्थ इतनी है, इसने एक शैडो मारा और उसके एक शैडो से मेरी हेल्थ पूरी ख़त्म हो गई। भाई कीबो ने तो मुझे शुरू होते ही ख़त्म कर दिया, मगर मैं खुश हूँ कि कीबो के हाथ मुझे मरने का सौभाग्य मिला। अब आया है बुलवक, मगर बुलवक हमारा चैट बंदा है भाई, ऐसा पिघलता नहीं है कीबो वीबो के सामने। ये रेंज लगा, थोड़ा सा वेट कर रहा है, उसको की फाइटिंग बोला तो अब वो सही खेलने लगा। शायद मैंने गलत कर दिया, वो ठीक ही खेल रहा था, की फाइटिंग नहीं बोलना था, गलती से बोल दिया, कोई बात नहीं। मगर हमारा बुलवक एकदम चैड है भाई, कीबो वीबो से डरेगा नहीं ना, फिसलेगा। ये देखो उसने उठा के फेंक दिया है भाई, कीबो को शुरू होते ही ख़त्म कर दिया बुलवक द चैड ने। और तुम्हें मेरी वॉइस थोड़ी भारी भारी लग रही होगी क्योंकि मैं बस सो के उठा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी घर में कोई नहीं है इसलिए अभी वीडियो बनाने का एकदम परफेक्ट टाइम है। फिर बाकी घर में अगर लोग आ जाएंगे तो क्या बोलेंगे, भाई ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है फ़ोन के सामने। इसलिए यार बहुत टाइम निकालना पड़ता है, पता है, वॉइस ओवर के लिए। वॉइस ओवर में दिक्कत ये होती है, मुझे वॉइस ओवर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसके लिए एक सही इन्वायरमेंट होना ज़रूरी है। तुम्हें पहले तो ये मैक्श्योर करना पड़ेगा कि तुम्हारे आसपास कोई है नहीं। फिर मैं ऐसा इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा, मैं चाहता भी नहीं कि कोई मेरी बातें सुने या मैं वीडियो बना रहा हूँ या किसी को पता चले। फिर उसके बाद गाड़ियों का शोर भी तुम्हें मैनेज करना पड़ता है कि अगर तुमने वॉइस ओवर किया, मान लो तुमने एक मिनट कंटिन्यू बोला, फिर एक गाड़ी आके पीप पीप बजा देगी और तुम देखोगे कि भाई तुम्हारा वॉइस ओवर तो पूरा ख़राब कर दिया, तुम्हें फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। या फिर बुलवक ने इसको फिर ख़त्म कर दिया भाई, बुलवक ने लिंक को भी ख़त्म कर दिया, वो लेके आएगा मंकी किंग को। अरे मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ भाई, इसके पास तो सारे टैलेंट है यार, और इनको टैलेंट मिलते कैसे, मुझे तो ये समझ नहीं आता। ये नौ नौ दस दस डोजो पे इनके पास सारे टैलेंट होते हैं। मैं यहाँ पे कब से खेल रहा हूँ, मेरे पास किसी कैरेक्टर, मतलब सिर्फ मेरे पास एम्परर के ही चार टैलेंट है, बाकी किसी के ही नहीं है। उसके भी चार नहीं, तीन ही टैलेंट है मेरे पास, चार टैलेंट शायद है ही नहीं किसी के। अब ये अरे नहीं यार, मैं शैडो गलती से मैंने शैडो मार दिया, मुझे शैडो नहीं मारना था। अगर मैं शैडो ना मार के वहाँ जंप करता ना, मैं बच जाता। वैसे मैं तो हार ही रहा था, मगर इसकी थोड़ी बहुत हेल्थ लेके जाता ना तो ज़्यादा सही था। अब गेम इक्वल हो गया, इक्वल क्या, उसके पास ज़्यादा एडवांटेज है क्योंकि उसके पास तुम देखोगे ना, उसके पास सारे टैलेंट है भाई मंकी के। उसकी हेल्थ भले थोड़ी सी कम है, मगर वो इतनी सी कम है, वो मुझे एक मारेगा ना तो मैं वैसे ही निपट जाऊँगा। ये देखो अब तो बराबर हो गई है, यहाँ उछल के मारा ये। अरे अटैक मेरे कनेक्ट हुए जा रहे, अटैक कनेक्ट ही हुए जा रहे, समझ नहीं आ रहा कैसे हो रहे, मगर अटैक कनेक्ट हुए। अरे उसका भी अटैक कनेक्ट हुआ। एक तो मंकी का डैमेज ना यार, इतना खतरनाक डैमेज है ना, बस खांसी क्यों आ रही है यार। यहाँ पे मेरा बीस्ट बना, ओ सेट, उसका डंडा मुझे पड़ा, ये एक और अटैक पड़ा। बाकी मैं जनरली इस टाइप के पार्ट को ट्रिम कर देता हूँ, मगर मुझे तरास आ रहा है यार आज वॉइस रिकॉर्ड करने का, इसलिए तुम मेरी खांसी सुन लो आज। बाकी तुम्हें अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। बाय।